देश भर में शिवरात्रि के पावन पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तराखंड से कांवड़िए जल लेकर आए हैं और आज भोले बाबा का जल अभिषेक किया जा रहा है। शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए दूध, दही, फल, मिठाई, केसर, बेलपत्र लेकर दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। जल अभिषेक का समय दोपहर 3 बजे से शुरू हो गया, लेकिन दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रात से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। यह तस्वीरें गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ की है। गाजियाबाद का प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर वह मंदिर है जहाँ पर खुद रावण के पिता ने पूजा की थी। माना यह भी जाता है कि पिता के बाद रावण ने भी यहां तपस्या की थी। दुधेश्वर नाथ मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक कर यहां पर आए श्रद्धालुओं में भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाभिषेक किया है। जो शिव भक्त भोले बाबा में आस्था रखते हैं वो यहाँ पर काफी सालों से मंदिर में आ रहे हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन भी पूरी तरह से जुट जाता है। मंदिर प्रांगण में कैमरे लगाए गए हैं जिनसे रात दिन पुलिस मॉनिटरिंग करती रहती है। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ सादी वर्दी में पुलिस भी तैनात की गई है, उसके साथ ही महिला सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। शिवरात्रि पर मंदिर समिति के करीब 500 सदस्य यहाँ दिन रात व्यवस्था को बनाने में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। अच्छा, शिवरात्रि का पावन पर्व है, किस तरीके से मना रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है और ऊपर से हर बार ऐसी ही भीड़ होती है और अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे आने में। अच्छा, क्या मांगा है आज आपने बाबा से? मैंने बाबा से सबको खुशी मिली और सब अच्छे से अपने आगे बढ़े। अब कहाँ से आए आप? मैं बताऊँ। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको आराम से, सबके भगवान के दर्शन हो रहे हैं और सब लाइन में सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा है। क्या नाम है सर आपका? तरुण शर्मा। तरुण, आप शिवरात्रि का महापर्व है, कैसा लग रहा है, किस तरीके से मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा, महादेव के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, क्या मांगा है आज अपने बाबा से? बस मन की इच्छा है। कैसी व्यवस्था है मंदिर की? व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर बारी बहुत अच्छी व्यवस्था ही रहती है। अच्छा, लाखों लोग आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ लाखों लोग आते हैं, सबके अपने मनोकामनाएं रहती हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं यहाँ पे, काफ़ी दिन से प्रशासन लगा हुआ है यहाँ। और कहाँ से आए आप? हम गाजियाबाद से। नाम आपका? निखिल। और निखिल, आज शिवरात्रि का पर्व है, किस तरीके से आप मना रहे हैं? खुशी है सर मुझे, यहाँ मैं डेली आता हूँ, वैसे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों से बहुत लोग यहाँ आते हैं, बाबा की कृपा रहेगी तो ऐसे बुलाते रहे सबको यहाँ पर। अच्छा, क्या मांगा है आज आपने बाबा से? मांगता तो रोज ही बस यही है कि बाबा अपने दर पे ऐसे बुलाते रहे, मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, बात की जाए मंदिर की व्यवस्था की, किस तरीके की व्यवस्था है मंदिर जी? मंदिर की व्यवस्था किस तरीके की, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों, हर बार व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, कभी कोई भीड़ की ऐसी समस्या नहीं आती कि धोखा मुक्ति है इस तरीके की, लाइन अलग अलग चलते हैं, कांवरियों के अलग, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग। व्यवस्था बढ़िया। कहाँ से आए आप? आनंद आता सर। कहाँ से आए आप? मैं ही गाजियाबाद लोकल के रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने घंटे हो गए लाइन में लगे हुए? मेरे को आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।